दोस्तों ADS एक्सचेंज का न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक आ चुका है। यदि आपको कंपनी पर विश्वास है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपनी आईडी को टॉपअप करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में 100% फैक्ट पर बात की गई है, जिससे आपको कंपनी के साथ डिसीजन लेने में 100% मदद मिल जाएगी। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस तरह की मैं 8 से 10 कंपनीज को देख चुका हूँ जो आपको टास्क कंप्लीट करने पर कुछ अर्निंग कराती है। इन सब कंपनियों का प्रोसेस सेम ही रहता है। अर्निंग करने के लिए आपको सबसे पहले इन कंपनियों का टॉपअप प्लान लेना पड़ता है, जो कि हर कंपनी का अपना अलग अलग होता है। इस तरह की कंपनियां मात्र आपको 3 या 4 महीने तक विड्रॉल देती है। इस तरह का केस आप ADS एक्सचेंज कंपनी के साथ देख सकते हैं और बाद में आपको री टॉपअप करने के लिए बोला जाता है, या इस तरह की कुछ कंपनीज 2-3 महीने के बाद भाग जाती है। इसका सिंपल सा रीजन है, कोई भी कंपनी आपको लाइफ टाइम या 2-3 साल तक विड्रॉल नहीं दे सकती। हम ADS एक्सचेंज कंपनी का पिछले बार की तरह 3 महीने का व्यू लेकर चल सकते हैं। एक बार के लिए अगर कंपनी 2 या 3 महीने तक भी चलती है तो मात्र 2000 का प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन बता देता हूँ, खुद से अपनी आईडी में 2 डायरेक्ट्स को बिल्कुल भी ऐड मत करना, क्योंकि अगर पिछली बार की तरह 3 महीने तक कंपनी चलती है तो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बनेगा। अगर आपको कंपनी पर विश्वास है और आप रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।